हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का मेरा सब विषय है नसों का ब्लॉक हो जाना। नसें किस कारण से ब्लॉक होती हैं और उनका निवारण क्या है, यही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। मेरे पास इसका क्या निवारण है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल देखा जाता है कि उम्र होने पर आम लोगों को शरीर में पेन होता है, कंधे में, गले में, रीढ़ की हड्डी में, पैरों में। तो कई बार क्या होता है कि नसों का ब्लॉक होना भी इस पेन का कारण होता है। ये पेन भयानक होता है, लोगों का उठना, बैठना, चलना, फिरना सब मुश्किल हो जाता है। नसें हमारे ब्लॉक शरीर में हर कोने में रक्त पहुँचा करने का काम करती हैं। जहाँ बाधित होती हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो नसें ब्लॉक ना हो या ब्लॉक होना शुरू हो गई है तो उनको कैसे रोका जाए, इसी पर आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर। नसों का जो ब्लॉक होना है उसके कारण एसिडिटी भी हो सकती है और शुगर भी हो सकता है, और पित्त वायु कफ के कारण भी कई बार हमारी नसें ब्लॉक होने लगती हैं। तो इनकी ब्लॉकेज को हम कैसे रोकें, उसके लिए आपको हम लोग को 100 ग्राम बड़ी इलायची लेनी है और उसको छिलके के साथ पीसना है। छिलके के साथ पीसना है इसीलिए उसको अच्छा से धूप में सुखाना है। धूप अगर उन दिनों नहीं है तो माइक्रोवेव में सुखाना है या फिर कढ़ाई में भी सुखा सकते हैं, लेकिन अच्छा से सुखाना है। सुखा के उसको छिलका के साथ मिक्सी में पीसना है और पीसने के बाद छिलका के साथ उस पाउडर को 1 चम्मच चाय का पाउडर लेना है और 1 चम्मच ही शहद लेना है, उससे दोनों को मिलाना है और इम्प्योर दूध के साथ उसका सेवन करना है। इम्प्योर दूध क्या होता है? इम्प्योर दूध होता है आधा दूध आधा पानी। तो आधा दूध आधा पानी मिलाकर गर्म करना है, गुनगुना करना है और उसके साथ बाद हमको इलायची और शहद के मिश्रण को उसके साथ सॉल्व खाना है। इससे क्या होता है, हैवीली अल्कलाइन है हमारी इलायची, तो इससे हमारे नसों के खुलने की संभावना है और हार्ट में जाने वाली नसें भी इससे खुल जाती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा एक और उपाय है बाथू साग। बाथू साग के गुण से सभी परिचित हैं, लेकिन ये हार्ट के लिए भी फायदा करता है और नसों के ब्लॉकेज को भी खोलता है। इससे शायद कुछ लोग नहीं परिचित हों। बाथू साग आजकल मार्केट में बहुतायत से मिल रहा है, तो हमको क्या करना है कि नसों के ब्लॉकेज के लिए 100 ग्राम बाथू साग का 1 माह तक डेली सेवन करना है और उसके पानी को नहीं उबाल कर उसके पानी को नहीं फेंकना है। अगर पानी में उबालते हैं तो पानी के साथ ही उसका सेवन करना है। तो उससे क्या होता है, अब हैवीली एल्कलाइन है हमारा बाथू साग, तो उससे क्या होता है कि हमारी नसें खुल जाती हैं। उसका एक उदाहरण, घरेलू उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम बाथू साग को उबालते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में, कुकर में या कढ़ाई में, तो क्या होता है हमारा बर्तन एल्युमिनियम का बर्तन खुरदरा या रफ हो जाता है अंदर से। इसका मतलब हुआ कि वो बाथू साग मेटल को भी साफ करने में या उसको घिसने में सक्षम है, तो हमारी नसों को ऑब्वियसली सक्षम होगा, ऐसा मेरा मानना है और मैंने इसीलिए अनुभव किया तो मुझको उससे फ़ायदा मिला, तो मैंने ये वीडियो बनाने का आप सभी के लिए प्लान किया। तो आप बाथू साग लेंगे और 100 ग्राम बाथू साग को आप चावल के साथ उबाल कर भी खा सकते हैं डेली, साग और चावल भात, तो वो क्या, वो आपके नसों को खोलेगा। बहुत अच्छा घरेलू सस्ता बिना साइड इफेक्ट का उपाय है ये, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इसके बहुत बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
और कुछ ज़रूरतमंद इस वीडियो से भी लाभान्वित हों, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।